आज साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण कई मामलों में विशेष होगा। देश भर में इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जाएगा, इसलिए आज लगने वाला चंद्र ग्रहण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस चंद्र ग्रहण में। आज साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है। अगर इस चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण कुल 4 घंटे 18 मिनट 11 सेकंड तक रहेगा। यानी ये चंद्र ग्रहण दोपहर 1:04 पर शुरू हुआ और शाम 5:22 पर खत्म होगा। इसके साथ ही 4 घंटे तक लंबा चलने वाला ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:13 पर अपने चरम पर होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में होगा। ये ग्रहण एक उपछाया है। आपको बता दें कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण नजर आने वाला है। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। भारतीय समाज में ग्रहण काल में सूतक का बड़ा महत्व माना जाता है, जिसके चलते चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, साथ ही इस समय पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, जिसके चलते सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। DB Live की रिपोर्ट।